आज हमारे साथ में है सक्सेसफुल एक्सपोर्ट डायरेक्टर ऑफ तानिया क्राफ्ट एंड नाउ शी इज द फाउंडर ऑफ बिग लेडर. बिग लेडर जहां पर शी इज अ मेंटर, शी इज द ट्रेनर, कम्युनिकेशन स्किल ट्रेनर, जिनका मंत्र है ट्रांसफॉर्म योर लाइफ टू ट्रांसफॉर्म योर कम्युनिकेशन. अ वंडरफुल मंत्र. मैम, ये कम्युनिकेशन स्किल है क्या? मतलब अफेक्टिव कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? Thank you so much, first of all, for inviting me to this show, and I'm very, very grateful to you and to the show that you have invited me, and we are talking of such an important aspect, which is communication. I feel it is one skill that is very underrated, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी जिंदगी का. कैसे मैं बताऊँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपने पूछा है क्या? हम ये सोचते हैं कि जस्ट बाय स्पीकिंग, टॉकिंग और गिविंग अ प्रेजेंटेशन वी हैव मेड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन ज़रूर है, पर इफेक्टिव है या नहीं? क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है जब आप एक कनेक्शन एस्टैब्लिश कर पाते हैं. एक कनेक्शन ही वो बेसिस है जिससे आप एक सक्सेसफुल सेल्स पर्सन, नेगोशिएटर, पर्सुएडर, इन्फ्लुएंसर, स्पीकर, लीडर, इवन अ गुड मदर आप तब बनते हैं जब आप एक बहुत अच्छे से आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं थ्रू गुड कनेक्शंस. इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल रिलेशनशिप्स. कम्युनिकेशन इज समथिंग दैट मेक्स योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर. सो वेदर इट इज़ बिटवीन टू पीपल, 10 people और 100 people, वेदर इट इज़ इन अ सोसाइटी, कम्युनिटी और अ कंट्री, और वेदर इट इज़ बिटवीन टू डिफरेंट कंट्रीज, इट इज़ ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. एंड वेन यू आर एबल टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग connections with others, that is what I call an effective communication. आपका बहुत अच्छा ये हुआ ना कि connect करना, मतलब समाज को चलना है तो communication बहुत important role है, play करता है. I'm always inspired with your that skill, really it's always work. Ma'am, you are being awarded as a youth icon. विवेकानंद समिति से आपको जो अवार्ड मिला है, यू आर बीइंग ऑनर्ड बाय मेनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज लाइक JNU है, अमेठी है, वेदा है, एंड यू आर परफॉर्मिंग एंड यू आर मेंटरिंग स्टूडेंट्स एज अ कैरियर कोच. तो इंटरव्यू में बच्चों को, कि जब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो इंटरव्यू फेस करना, वो तो एक आई थिंक इट इज माई गुड फॉर्च्यून दैट माई वर्क इज बींग रिकग्नाइज एंड माई वर्क इज नॉट ओनली रिकग्नाइज बाई डिफरेंट कॉलेजेस बट ऑल्सो डिफरेंट एसोसिएशन ऑल ओवर. वर्तिका, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी इंसिस्ट ऑन स्टूडेंट्स और इवन कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स टू हैव गुड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन. रीजन बींग, देखिए एक कहावत है, यू कैन नॉट नॉट कम्युनिकेट. अगर आप चुपचाप भी बैठी हैं तो भी आपका जो इमेज है, आपके क्लोथ्स हैं, आपका हाव भाव है, वो मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है. मुझे पता चल रहा है कि आप कितने इन्वॉल्व हैं, कनेक्टेड हैं, बोर्ड हैं, हैप्पी हैं, सैड हैं, आपके इमोशंस. हम लोग एक बंडल ऑफ इमोशंस हैं, हम एक एनर्जी लेके चल रहे हैं और वो एनर्जी मेरे साथ कम्युनिकेट होती है. कोई अगर मंच पर आता है और बहुत धीमे स्वर पर और बहुत ही लो एनर्जी से बात करता है तो वो लूज कर जाता है अपने ऑडियंस को. इसी तरह अगर एक स्टूडेंट है जो इंटरव्यू में बैठ रहा है और वो जब रूम में एंटर करता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसकी हाव भाव से मेरे को गुड वाइब्स नहीं आ रही हैं. गुड वाइब्स मतलब द काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब वो मेरी कंपनी ज्वाइन करे तो उसमें एंथुजियाज्म हो, उसमें एक जज्बा हो कि मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी है, मेरे उसमें एक पैशन हो, और वो चीज़ मुझे मिलती है उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से. तो वर्तिका, कहा जाता है कि ओनली 7% ऑफ द वर्ड्स दैट यू यूज, 35% ऑफ द इंटोनेशन यानी कि आपकी वॉल्यूम, आपका पिच, आपकी टोन, एंड 55% इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर जिसे आप बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, दैट इज मेकिंग एन इम्पैक्ट इन योर कम्युनिकेशन. लेकिन हम ये जो 12 साल और प्लस ग्रेजुएशन के 4-5 साल और ऐड कर दें तो भी हमें इस पूरे समय में कम्युनिकेशन के बारे में कोई भी क्लास या कोई भी एजुकेशन नहीं मिलती है. बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस ऑफ कोर्स ट्राई करते हैं
डिबेट्स होती हैं, एक्सटेम्पर होती हैं, तो ये एक नाम मात्र उनको एक क्लास के दो या तीन बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हम लैंग्वेज सिखाते हैं, हम ग्रामर सिखाते हैं, हम फॉरेन लैंग्वेजेस तक सिखाते हैं, बट जो बहुत ही माइन्यूट न्यूआंसेस हैं किसी लैंग्वेज की वो हम नहीं सिखा पाते। सो मेरा कोशिश बॉडी बिग लैडर को लेके यही रहा है कि मैं जो मेरी लर्निंग है ऑलमोस्ट 3 decades की जो लर्निंग है और जो मेरा वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करके या देश विदेश में ट्रैवल करके जो भी मेरा अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊँ। क्योंकि देखिए मैंने देखा कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो अपने डोमेन में बहुत बहुत उम्दा हैं, दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, दे हैव ग्रेट आइडियाज, दे हैव ग्रेट एक्सपीरियंसेस, दे हैव ग्रेट एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, बट वर्तिका बहुत ही कम स्टूडेंट्स मिलते हैं, शायद मैं गलत नहीं हूँ 10% ही बच्चे होते हैं क्लास के अंदर जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं या बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जब मैं कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रही हूँ तो आई एम टॉकिंग ऑफ द एनर्जी दैट दे आर एबल टू ट्रांसमिट, आई एम टॉकिंग ऑफ द बॉडी लैंग्वेज दे हैव एंड द एंटायर पैकेज दैट दे कैरी इन एन इंटरव्यू रूम। सो हमने क्या किया बिग लैडर में, हमने साइंटिफिकली डिज़ाइन करे मॉड्यूल्स, हमने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो बच्चों में है वो है उनकी एंग्जाइटी या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे आप कह सकते हैं वो है, और दूसरा उनको नॉन वर्बल वर्बल कम्युनिकेशन समझ आने चाहिए। एक बहुत अहम रोल प्ले करता है कि जो आप वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, जो आपने शब्द यूज़ कर रहे हैं, उनको आपका इंटरव्यूअर कैसे इंटरप्रेट करता है। इंटरव्यूअर के साथ एक बहुत बड़ी परेशानी ये होती है कि उनके पास बहुत कम समय होता है और सप्लाई भी बहुत होती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है। तो कहीं आप कुछ गलत करके अपने आप को एलिमिनेट ना करा दी, तो ये एक, और फिर हम चाहते हैं कि ये जो मॉड्यूल्स हो ये इकोनॉमिकल ऑन योर पॉकेट भी हो और इकोनॉमिकल ऑन योर टाइम भी हो, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उनके बहुत पैक्ड शेड्यूल्स होते हैं। तो हमने ये कोशिश करी कि 6 या 10 दिन के अंदर अंदर हम आपको 1 घंटा एवरी डे आपको डूज एंड डोंट्स ऑफ कम्युनिकेशन दें, आपको मॉक इंटरव्यूज मॉक GDs की प्रिपरेशन करें, आपको समझाएं कि इंटरप्रेट कैसे होता है, वर्ल्ड ओवर आप कोई भी किसी भी लेवल के ऊपर आप इंटरव्यू दे रहे हैं। देखिए इंटरव्यू इज नॉट जस्ट एन एंट्री लेवल, इफ़ यू आर गोइंग टू हैव अ 30-35 years ऑफ करियर यू आर गोइंग टू बी इंटरव्यूड सेवरल टाइम्स इन योर द कोर्स ऑफ योर करियर, एंड एवरी टाइम यू गो फॉर अ प्रमोशन और गो फॉर अनदर प्रोजेक्ट और यू चेंजिंग योर कंपनी और द इंडस्ट्री यू विल बी इंटरव्यूड। सो नॉट जस्ट फॉर स्टूडेंट्स वर्तिका बट ऑल्सो फॉर कॉर्पोरेट्स आई एम टीचिंग दैट। कॉर्पोरेट्स, यस कॉर्पोरेट्स का वाला भी तो है कि यू आर द ट्रेनर, बैंक्स में आपने दिए हैं, इंडस्ट्रीज में आपने दिया है, तो उनको क्यों जरूरत है कम्युनिकेशन स्किल की, वो क्यों रिक्वायर्ड है? हम तो एंटर कर गए ना। देखिए अगर आप किसी भी कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव को देखते हैं और जिस जब वो 9 बजे साइन इन करते हैं अपने ऑफिस में, दे आर नॉट इन टू मैन्युफैक्चरिंग, दे आर नॉट ऑन शॉप फ्लोर्स, दे आर नॉट इवन सेलिंग, बट सुबह से शाम तक जो 6-8 घंटा वो ऑफिस में स्पेंड कर रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। वो अपने जूनियर से, अपने सीनियर से, अपने पीयर ग्रुप से, अपने कस्टमर्स से, अपने वेंडर से, अपने सप्लायर से ऑल द टाइम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वेदर इट इज थ्रू देयर ईमेल्स, वेदर इट इज अ रिटन कम्युनिकेशन, मेमोज, प्रेजेंटेशंस, PPTs, ऑल द टाइम दे आर कम्युनिकेटिंग। और अगर आप सेल्स फील्ड में हैं, अगर आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, अगर आप अपने क्लाइंट को सेल कर रहे हैं अपना आइडिया, आपको कम्युनिकेशन चाहिए। एंड इन फैक्ट वैसे मैं आपको बताऊं, बहुत सारे जो स्टूडेंट, बहुत सारे जो होम मेकर्स हैं वो मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हमें कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है, हम तो घर में हैं, हमें तो कोई कम्युनिकेशन की जरूरत ही नहीं है। एंड दैट इज व्हेन आई से यू डोंट नो हु इज फॉलोइंग यू, योर चिल्ड्रन आर फॉलोइंग यू, सो यू आर अ लीडर फॉर योर चाइल्ड, यू हैव टू बी अ रोल मॉडल, यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ level where your child can learn from you. Every person is a leader. Yes, so as I said, you cannot not communicate. आप हमेशा communicate कर रहे हैं, तो आप as a parent communicate कर रहे हैं, as a leader, आप हर तरह से communicate कर रहे हैं. So ज़रूरी है सबके लिए, irrespective कि वो किस profession में है, irrespective को वो किस level पे है, junior level पे है, senior level पे है या highest level पे है. इनफैक्ट अभी बहुत रिसेंटली मैं एक अहमदाबाद के बहुत बड़े कॉर्पोरेट के अंदर एक ट्रेनिंग कर रही थी और उनको NLP
न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में बता रही थी, मैं उनको समझा रही थी कि आपका एक एक वर्ड जो है वो हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं और वो क्या एनर्जी दे रहा है मुझे. ही वॉज फ्लैबरगैस्टेड. ही सेड मैम 30 years, 35 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अंडरस्टैंडिंग कि आपकी लैंग्वेज आपके न्यूरॉन्स को प्रोग्राम करती है. न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कि जो इनपुट आप अपने ब्रेन को दे रहे हैं, द सुपर कंप्यूटर एवरीबॉडी इज ब्लेस्ड विद, उसको जो आप दे रहे हैं वो आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, आपकी लैंग्वेज है. इसी तरह से जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो अगेन मेरी बातों से आपका जो सुपर कंप्यूटर है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है. इसलिए अगर इस पूरे इक्वेशन में अगर मैं देखती हूँ कि मेरे थॉट्स, मेरे बायोकेमिकल्स, मेरी फिजियोलॉजी, मेरा बिहेवियर और मेरा आउटकम, अगर आप इस पूरी इक्वेशन को देखते हैं तो अगर आपको आउटकम चेंज करना है तो आपको अपना इनपुट चेंज करना पड़ेगा. और इनपुट क्या है? आपके थॉट्स और आपकी लैंग्वेज. वर्तिका, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि ये जो पिछले 2 साल हमारे कोविड में निकले और हमने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करी और उनमें से एक मेजर प्रॉब्लम जो अब निकल के आ रही है और जिसका इफेक्ट अब हमें दिख रहा है वो है लोगों की मेंटल इलनेसेस. बहुत अच्छे लेवल पर पता चल रहा है. एब्सोल्युटली. और एज अ लाइफ कोच मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं एंड दे टॉक टू मी अबाउट देयर इश्यूज, देयर चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग. एंड यू नो द रूट ऑफ एवरी चैलेंज इज द थॉट दे कैरी और द लैंग्वेज दे आर स्पीकिंग टू देमसेल्व्स. क्योंकि कम्युनिकेशन तो हम सेल्फ से भी कर ही रहे हैं ऑल द टाइम. एक रिसर्च के हिसाब से 80,000 थॉट्स आपको एवरी डे आते हैं, जिसमें गुड न्यूज तो ये है कि 80,000 में से 80% यानी कि 64,000 तो रेपिटेटिव थॉट्स है. लेकिन इसके अंदर जो नेगेटिव बात ये है कि जो रेस्ट है वो आपके नेगेटिव थॉट्स. सो यू कैन नॉट हैव अ पॉजिटिव लाइफ थ्रू नेगेटिव थॉट्स. कम्युनिकेशन खाली दूसरों से नहीं, सेल्फ से भी बहुत इम्पोर्टेंट. एग्जैक्टली. वही बात मैं एज एन NLP प्रैक्टिशनर, एज ए लाइफ कोच बार बार यही कहती हूँ, पहले अपनी लैंग्वेज, अपने थॉट्स को पॉजिटिव करिए, तभी आपका पॉजिटिव कनेक्शन या पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव कम्युनिकेशन दूसरों के साथ हो पाए. इनर कनेक्शन, फीलिंग एंड दैट कम्स आउट एज अ कम्युनिकेशन, परफेक्ट कम्युनिकेशन. सो ट्रांसफॉर्म योर लैंग्वेज एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ. यस, डेफिनेटली.